जिन मंदिर का निर्माण करवाया, मैं संजय जी की बात नहीं कर रही, संजय जी ने तो करवाया ही है सोनागिर के पर्वत पर, लेकिन ये बात शास्त्र की कथा है। जैसे पहले के सेठ मंदिर का निर्माण करवाते थे, संजय जी को देखकर लगता है कि आज के सेठ भी मंदिर का निर्माण करवाते हैं। एक बार ताली तो बजा दो संजय जी के लिए। सेठ ने मंदिर का निर्माण करवाया, प्रतिमा विराजमान करवाई, उसमें उसके पंच कल्याणक करवाए, उसके पश्चात उसमें एक ऐसा छत्र लगाया जिसमें कीमती मणियाँ थी, कीमती। चर्चा उड़ते उड़ते चोरों के पास भी पहुँची। क्या होगा, चोरों का नाम सुनते हंसी आ गई आपको। ठीक बात है, यदि संसार में दान देने वाले हैं तो इस संसार में चोरी करने वाले भी हैं, यदि पुण्य कमाने वाले हैं तो पाप कमाने वाले भी हैं, है ना। पुण्य कमाकर स्वर्ग जाने वाले हैं तो पाप कमाकर नरक जाने वाले भी हैं। इस संसार हर तरह के जीवों से भरा हुआ है। अब चोरों के पास खबर पहुंची तो वो ग्रुप में थे सारे चोर, एक चोर नहीं थे, उनका भी ग्रुप था। हर कोई का ग्रुप होता है, तुम्हारे व्हाट्सएप में भी ग्रुप होता है, कोई जैन धर्म का ग्रुप है, कोई पंडित जी का ग्रुप है, कोई संगीतकारों का ग्रुप है, कोई किसी का ग्रुप, सबके अपने अपने ग्रुप हैं। उनका भी अपना ग्रुप था, तो उनका जो हेड था, एडमिन बनता ना एक, अरे बोलिए ना, एक हेड बनता है ना उसमें, तो उनका भी हेड था। उसके पास खबर पहुंची, जब खबर पहुंची तो उसने के मन में भावना आई कि वो छत्र तो मुझे चाहिए, कैसे भी मिले। अपने ग्रुप में चर्चा की तो एक चोर तैयार हो गया, बोले मैं ला सकता हूँ, चल भाई तू ला। अब किसी धर्मात्मा से कोई चीज़ लेनी हो और धर्मात्मा होशियार हो तो उससे आप लड़ाई करके नहीं ले सकते, उससे आप झगड़ा करके नहीं ले सकते, लेकिन धर्मात्मा बन करके उसे ठग सकते हो। तो उसमें से एक चोर छुल्लक बन गया और 8-10 गांव पहले वो मंदिर में पहुंच के वहाँ उसने अपना पहले तो सारा देखा, किसी साधु के पास रहा, छुल्लक जी होते क्या हैं, करते क्या हैं, खाते कैसे हैं, सारी उसने ट्रेनिंग ली। ये ट्रेनिंग ही कही जाएगी, क्योंकि वो ठगने की थी, साधना नहीं करी। छुल्लक बनना एक साधना है, लेकिन यदि चोरी करने के लिए बन रहा है तो वो एक ट्रेनिंग है ना। तो अब उसने ट्रेनिंग ली साधु के साथ रह के कि ये छुल्लक जी होते क्या हैं, रहते कैसे हैं, क्या स्वाध्याय करते हैं, क्या पढ़ते हैं, क्या लिखते हैं। उसने ट्रेनिंग ली और 8-10 गांव पहले एक मंदिर में पहुंच गया। फिर वहां उसने अपनी प्रभावना फैलाई। अब होता तो ही, एक गांव की चर्चा दूसरे में होती है और दूसरे गांव की चर्चा तीसरे गांव में होती, चर्चा तो चारों तरफ। इसलिए चर्चाओं के लिए जो भी विषय मिलता है उसे ही आगे बढ़ा देते हैं। अब उस छुल्लक की चर्चा और आगे गांव में हुई, और आगे गांव में हुई, पहुंचते पहुंचते वो छुल्लक सेठ के गांव में भी पहुंच गया। वहां पहुंचा, सेठ जी को पता चला, सेठ जी ने बड़ी आवभगत करी, आहार करवाया, उसे मंदिर में ही रख लिया। बोले छुल्लक जी आप यहीं रहो। सेठ जी को व्यापार के काम से जो है बाहर जाना था, उनने कहा, सोचा कि चलो छुल्लक जी मंदिर में रहेंगे तो मंदिर भी खाली नहीं रहेगा और लोगों का आना जाना भी बना रहेगा, भक्ति भी होती रहेगी, साधना भी होती रहेगी। तो छुल्लक को सेठ जी ने मंदिर में ही रोक लिया। वो तो यही चाह रहा था कि मुझे यहाँ रुकने मिल जाए, और जो चाह रहा था वो इच्छा पूरी हो गई उसकी। अब सेठ जी अपने व्यापार के काम से निकले
और वहाँ जब जाते थे तो पहले अकेले नहीं जाते थे, पूरे उनके साथ पूरा मेला चलता था, उनके नौकर दास दासी पूरा रेला चलता था। तो व्यापार के लिए जब सेठ जी निकले तो आगे, अब आज के जैसे ट्रेन तो है नहीं, प्लेन तो है नहीं, उस समय तो बैलगाड़ियाँ चलती होंगी, तो बैलगाड़ियों से चल के कितना चल सकते हैं, उतना चल के पहले पड़ाव पे पहुँच गए। चुल्लक जी ने सोचा अब तो मंदिर खाली है, अब मौका मुझे मिल गया, अब सेठ जी तो चले गए। चुल्लक ने रात्रि में वो छत्र उतारा और लेकर चलता बना। अब वो छत्र की चमक इतनी थी कि वो कपड़े के अंदर भी नज़र आ रहा था, तो वो चौकीदारों ने देख लिया। अब वो चौकीदार छुल्लक के पीछे भागे, अब आगे आगे छुल्लक और पीछे पीछे चौकीदार, आगे आगे छुल्लक नहीं, आगे आगे चोर। वो छुल्लक नहीं है, वो चोर है, छुल्लक का वेश बनाया है, ऊपर से दिख रहा कि वो छुल्लक है लेकिन अंदर से वो चोर है। अब वो चोर जो है भागा, भागते 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 वहाँ पहुँच गया जहाँ रात्रि विश्राम सेठ जी कर रहे थे। अब वहाँ पहुँचकर उसने घुस गया, वो सेठ जी की कुटिया में घुसा, सेठ जी के तंबू में घुस पाया। अभी उस समय तो ये नहीं पता था किसका तंबू है, वो जिसमें घुसा वो सेठ जी का तंबू था। उसके पीछे पीछे जो है चौकीदार भी पहुँच गए, बोले सेठ जी ये छत्र चोरी करके लाया है। अब सेठ जी ने पहले एक सेकंड, दो सेकंड, दस सेकंड अपने दिमाग पे जोर लगाया क्या करूँ। बोले यदि ये कहता हूँ ये चोर है तो धर्म की बदनामी होगी। बोले तुम्हें पता नहीं है, इसको मैंने ही कहा था कि तुम छत्र लेके आना। क्या कहा सेठ जी ने, इसको मैंने ही कहा था कि छत्र लेके आना, चलो भागो तुम लोग बाहर, ये तो मेरा काम कर रहा है, ये तुम्हारा चोर नहीं है। बोले सबको बाहर कर दिया। यदि सेठ जी उस समय कहते कि ये चोर है तो वो सारे क्या कहते, छुल्लक जी चोर होते हैं, आने वाले समय में आगे जो भी छुल्लक आता तो सब लोग क्या समझते, चोर आए, यही समझते। वो वेश जो है छुल्लक का वेश चोर का वेश बन जाता। अब उसने हालांकि किया तो गलत था कि धर्मात्मा का वेश बना करके और गलत काम कर रहा है, तो काम तो गलत है, लेकिन सेठ जी ने उस वेश की रक्षा करी, धर्मात्मा की, जो धर्मात्मा आगे बदनाम ना हो इसलिए सेठ जी ने ऐसा कहा। उसके पश्चात जब सब चले गए तो सेठ जी ने उस चोर को खूब डांटा, छत्र तो ले ही लिया और साथ में खूब डांटा। तो सेठ जी ने सही किया कि गलत किया, सेठ जी को ज़रा व्हाट्सएप पे निकालना चाहिए था, सेठ जी को ज़रा यूट्यूब पे निकालना चाहिए था, सेठ जी को ज़रा सारे में निकालना चाहिए था, हाँ या ना। यदि आज ज़रा सा कुछ गड़बड़ हो जाए तो क्या होता है, हैं, 5 मिनट में पूरे देश में फैल जाता है, हैं। हो सकता है कि जिसने वो गड़बड़ करी हो वो तो सुधर जाए, लेकिन तुम्हारे दिमाग में जो बुरे विचार बैठ गए हैं वो कभी सुधरने वाले नहीं हैं। उनको सुधारने के लिए पता नहीं कितनी मेहनत करनी पड़ेगी। तो जो सम्यक दर्शन के 8 अंग हैं, उन 8 अंगों में जो छठवां अंग है उसका नाम है उपगुहन। 5वां अंग क्या नाम है, उपगुहन। उपगुहन का मतलब होता है कि अवगुण को छुपाना, धर्मात्मा के अवगुण को छुपाना। ठीक है भाई, कर्म के उदय में कोई भी गलती कर सकता है, कर्म का उदय है, जब कर्म का उदय आता है तो फिर आदमी नियम व्रत धारण करने के बाद भी गलती कर बैठता है। वो समझता है कि गलत है, वो जानता है कि गलत है, ऐसा नहीं कि वो नहीं जानता, वो सब कुछ जानता है कि गलत है और उसके बाद भी करता है। ऐसा आपके साथ होता है कि नहीं होता,
जब आप कभी गुस्सा आता है आपको, तो आप लड़ाई झगड़ा कर लेते हो, कलेश हो जाता है, घर में बड़ा कोहराम मच जाता है, आप बाद में पछताते, अरे मैंने क्यों ऐसा गुस्सा किया, अरे बाद में सोचते अरे मैं अब गुस्सा बिल्कुल नहीं करूँगा, आज के बाद मुझे बिल्कुल गुस्सा नहीं करना, ऐसा करते कि नहीं करते? ठीक है, थोड़े दिन हुए बात भूल गए, दोबारा जानते हो ना गुस्सा करना गलत है, अरे बोलिए ना, जानते हो कि नहीं जानते हो, फिर भी करते हो कि नहीं करते हो? जानना अलग कर्म का उदय है और करना अलग कर्म का उदय है। जानने के लिए मात्र ज्ञानावरण कर्म का छह उपशम चाहिए, मगर नहीं करने के लिए मोहिनी कर्म का छह उपशम चाहिए। किसका? मोहिनी का। जब तक मोहिनी कर्म जोर मारता है, आपका बेटा है, बेटे से कहते बेटा मंदिर जा मंदिर जा मंदिर जा, उसके समझ में नहीं आता, सारे उसके फायदे बताते हो, सारे उसके गुण बताते हो, सब कुछ करते फिर भी समझ में नहीं आता, और एक दिन ऐसा होता है मम्मी मैं मंदिर जा रहा, आज कैसे समझ में आ गई तुझे? बात कब समझ में आती है? जब मोहिनी कर्म का छह उपशम होता है। ज्ञान कब हो जाता है? जब ज्ञानावरणी कर्म का छह उपशम होता है। तो ऐसे ही यदि कभी किसी से गलती हो रही है, गलत देख रहे हो, तो उसकी चर्चा बाहर मत करो, बाहर मत करो, जिसको आपने देखा है आप उसी के पास जाओ, उससे हाथ जोड़ के निवेदन करो कि आप ये जो कर रहे हैं ये गलत है, इसे आप ना करें, बाहर इस बात की चर्चा हो रही है, बाहर इस बात का प्रभाव गलत पड़ेगा, आप ऐसा काम ना करें, आप हाथ जोड़कर उसे निवेदन कर सकते हैं। उसका ये नहीं कि आपने फोटो खींच ली और सारे सारे में डाल दी, ऐसा करते कि नहीं करते? अरे बोलिए ना, और फिर उसकी चर्चा पूरे पूरे देश में होती है। ये एक साथ पुण्य और एक साथ पाप, जैसे कभी कभी ट्रेन एक्सीडेंट होता है उसमें 200 आदमी एक साथ मर गए हैं, प्लेन एक्सीडेंट होता है उसमें 100 आदमी एक साथ मर गए, ये एक साथ कैसे मरे? इनका एक साथ कर्म का उदय कैसे आया? ऐसे ही आता है कि जब कोई चर्चा एक साथ अपने मोबाइल पे सारे लोग पढ़ते हैं तो सबका कर्म का बंध भी एक सा होता है। जैसे टीवी में मैं देख रहे हैं एक साथ पूरी दुनिया, या कहीं पर टीवी पूरे भारत के लोग देख रहे हैं, अब कौन उसको कितनी गहराई से ले रहा है, कौन उसमें कितना विचार कर रहा है, उसके माध्यम से कौन कितना कर्म का बंध कर रहा है, फिर कभी समय आने पर उतने लोग वहाँ इकट्ठे हो जाते हैं, वो सारा उसका फल भी एक साथ ही मिलता है। जैसे सिद्ध क्षेत्र सोनागिर पर्वत पर इतने सारे लोग बैठकर एक साथ विधान कर रहे हैं, याग मंडल विधान, नीचे विधान तो बहुत किए होंगे, मंदिर के अंदर भी किए होंगे, लेकिन सिद्ध क्षेत्र पहाड़ पर इस खुले में विधान शायद नहीं किया होगा, हैं? तो ये सारे लोग एक साथ बैठकर विधान कर रहे हैं, तो इन सारों ने पहले कभी ना कभी एक साथ पुण्य का बंध किया होगा, और वो सारे आज इकट्ठे हो गए तो यहाँ बैठकर सारे एक साथ विधान कर रहे हैं। सामूहिक पुण्य और सामूहिक पाप ऐसे होता है। और अभी आप एक साथ कर रहे हो तो हो सकता है कि कभी किसी काल में, कभी किसी समय में इसी सिद्ध क्षेत्र पर सब यहाँ मुनिराज बनकर एक साथ बैठो और सब एक साथ मोक्ष चले जाओ। भाई क्या क्या पता चलता है, हैं? कब कैसे परिणाम हो जाए, कब कैसे भाव बन जाए, भावों का कुछ नहीं पता है। कब पुरुषार्थ जागृत हो जाए, कब कर्मचक्र का छह उपशम हो जाए, है ना? कर्म का जब छह उपशम होता है ना, उस समय अपना पुरुषार्थ कर लो। जैसे कर्म शांत पड़ा हुआ है, उस समय तुम जो चाहो वो काम कर सकते हो। मान लो तुम्हें क्रोध नहीं आ रहा, मान नहीं आ रहा, मायाचारी नहीं आ रही, लोभ नहीं आ रहा, शांति से बैठे हो, हिंसा झूठ चोरी कुशील परिहार कुछ नहीं कर रहे हो, अब वो स्थिति आपकी बिल्कुल शांत है, अब आप कौन सा पुरुषार्थ कर रहे हैं, पुण्य का या पाप का, ये आपके हाथ में है। बात समझ में आई कि नहीं आई? उसी समय आपका दोस्त आ गया, चल भाई चल 9 बजे हैं, घर वालों को मत बताना, चल शराब पीने चलते हैं,
आंखों में आंखों में इशारा करके उठा के ले गया और शराब पीने चला गया। अब उस समय स्थिति कर्म का छुपछम चल रहा था, तो वो शराब पीने भी जा सकता था और कोई उससे कहता मंदिर चल तो मंदिर भी जा सकता था, क्योंकि कर्म का छुपछम चल रहा था। ऐसे जब हमारा कर्म शांत हो, उस समय आप जो भी काम करेंगे उसमें आपको सफलता मिल जाएगी। करना आपके ऊपर है कि आपको क्या करना, पुण्य कमाना है कि पाप कमाना है। अब आप शांति से बैठे, आपका घड़ी पे नजर गई, सीरियल का टाइम हो गया। अरे बोलिए ना, शुरू हो गया राग द्वेष है। उस समय आप चाहते तो प्रवचन भी सुन सकते थे। सुनते हो कि नहीं सुनते हो प्रवचन? कितने लोग हैं जो टीवी में प्रवचन सुनते हैं? अच्छा, तो कितने लोग हैं जो अपने टीवी में सीरियल देखते हैं, मोबाइल में देखते हैं? मोबाइल में भी देखते होगे वो आजकल, वो सीरियल तो नहीं, वो 5-7 सीरीज बताते, मुझे किसी ने बताया है, बोले आजकल कोई वेब सीरीज चल रही है, देखते नहीं देखते आप लोग? कौन कौन देखता है, हाथ उठाकर बताना जरा। नहीं, आप पुराने लोग हो ना, आप टीवी में देखोगे, ये अपना मोबाइल उठा के चल देते हैं, ये उसमें देखते हैं। अरे बोलिए ना, हाँ या ना? नहीं देखते, सच में नहीं देखते? अच्छा, तुम देखते हो, तुम भी नहीं देखते? भाई संजय जी, बड़े अच्छे लोगों को लेकर आए आप तो, बड़े धर्मात्मा लोगों को लेकर आए हो हैं? अच्छा, इन्हें टाइम नहीं मिलता होगा, फुर्सत नहीं मिलती, इसलिए नहीं देखते हो, ऐसे ही है क्या? मौका मिल जाए तो चूकते नहीं हो, त्याग भी नहीं है, हैं? तो मौका मिल जाए वैसे ही प्रवचन सुन लो, तो क्या मिलेगा? और आपने इतने सीरियल, मेरे ख्याल से 25 साल से सीरियल तो देख ही रही होगी ना। अरे बोलिए ना, 25 साल तो हो गए। मैं टीवी तो खास, मेरे ख्याल से कितने पहले आई थी टीवी, 84 में आ गई थी, तब सीरियल नहीं चलते थे। उस समय तो रामायण और महाभारत चलती थी, शुरुआत में तो रामायण और महाभारत चली है, उससे लोगों को टीवी से नज़र मिलाने की आदत पड़ गई। रामायण और महाभारत से नज़र मिल गई टीवी से आपकी, और जैसे ही नज़र मिली, नज़र टिकी, वैसे फिर सीरियल शुरू हो गए, है ना? तो 25 साल से सीरियल देख रहे हो, क्या सीखा? रिजल्ट, इतनी आंखें लगाने के बाद में कि चश्मा चढ़ गया। हाँ, उस सीरियल के कारण कितने बार झगड़े हो लिए घर में। अब घर में लोग खाना खाने आए हैं, अभी रुक जाओ जरा, हमारा सीरियल चल रहा है, इतने मजे मत आया करो, भुक्त भोगी बैठे हैं। हाँ, अभी रुक जाओ, इस टाइम तुम्हें पता है ना, तुम्हें पहले से पता है ना कि हमारा सीरियल का टाइम है, इसी टाइम आना होता है तुम्हें। बेचारा वो दुकान छोड़ के खाना खाने आया है और तुम्हें सीरियल से फुर्सत नहीं है, गलत बात है। वो सीरियल भी ऐसा लगता है, ऐसे चिपक जाता है आदमी, ऐसा चिपक जाता है, देख तो ले उसकी सास ने उसके साथ क्या किया, उसकी बहू ने उसके साथ क्या किया है। उसके बाद चलो अब ख़त्म हो गया सीरियल, अभी सीरियल ख़त्म नहीं हुआ, सीरियल तुम्हारे दिमाग में घुस गया और ऐसी जगह लेकर ले जाकर छोड़ा कि वो तुम्हारे दिमाग में घूमता रहे, माला फेरने बैठे, पता नहीं उसका क्या होगा, माला फेरने बैठे भगवान की, याद कौन आ रहा है, हाँ या ना? झूठ मत बोलना, गर्दन हिलाओ। माला फेरने बैठे थे भगवान को, याद करने बैठे थे भगवान को, याद किसको कर रहे हो? फिर कहते माला से कुछ होता नहीं, इतने नमोकार मंत्र पढ़ते असर ही नहीं होता। तुमने पढ़ा कहाँ नमोकार मंत्र, तुम तो अपने टीवी और सीरियल को पढ़ रहे हो भाई। वो तुम्हारे दिमाग से निकले तब तो तुम्हारे दिमाग में भगवान घुसे, तुमने तो भगवान को घुसाया ही नहीं अंदर में। फिर कहते कुछ होता नहीं, धर्म करो कुछ होता नहीं, पूजा करो कुछ होता नहीं, अब सीरियल तो अपने दिमाग में घुसा रखा है, यदि देखोगे तो घुसेगा,
नहीं देखोगे नहीं घुसेगा। बोलिए हाँ या ना। तो अपने अंदर यदि धर्म को घुसाना है, यदि धर्म अपने अंदर डालना है, तो इन सब चीजों से जो तुम्हें अट्रैक्ट करती है, जो तुम्हारे अंदर घुस जाती है, तुम्हारे विचारों में घूमती है, उससे दूर होना बहुत जरूरी है। यदि धर्म इन सब घर के बीच में, इन सब चीजों के बीच में हो रहा होता, तो हमारे तीर्थंकर महल मकान परिवार छोड़ के दीक्षा क्यों लेते? अरे बोलिए ना, उस समय तो टीवी भी नहीं थी, उसके बाद भी छोड़ा। यदि इसके बीच में रह करके सच्चा सुख मिल रहा होता तो छोड़ने वाले नहीं थे, लेकिन आपने इसी चीज को सुख मान रखा है। उसमें जैसा आपने देखा कि ऐसा हार पहना और आपने यदि वैसा हार पहन लिया, अरे वाह ये तो मेरे जैसा है, ये तो मेरे जैसे बाल बनाई है, अरे ये मेरे जैसे झुमके पहनी है, अरे ये तो मेरे जैसे साड़ी पहनी है, बस मतलब वहां उसने पहन लिया और तुमने पहन लिया, मतलब तुम पास, अपना पैसा वसूल है। बंधुओं, इस टीवी को मैं बुरा नहीं कह रही हूँ, इसलिए नहीं कह रही हूँ, टीवी एक संसार है, मोबाइल एक संसार है, इसमें अच्छी चीज भी है और बुरी चीज भी है। ये तो खरीदने वाला जाने कि उसे क्या खरीदना है। दुकान पर जाते हो तो दुकान में जितनी चीज़ मिल रही साड़ी खरीद के नहीं लाते हो, जो तुम्हारे काम की होती है वही खरीदते हो। ऐसे टीवी में मोबाइल में वो देखो जो तुम्हारे काम का हो, हैं? जैसे घर छोटा है तो क्या रखते हो, कितना सामान? भाई मकान ज़्यादा बड़ा नहीं है हमारा, छोटा मकान, इतने सामान खरीदना कि घर में सेट हो जाए, इससे ज़्यादा मत खरीदना, क्योंकि यदि वो रख गया तो फिर हम दूसरी चीज़ नहीं रख पाएंगे। ऐसे ये दिमाग हमारा बड़ा छोटा सा है, इसमें चाहे तो सीरियल के कलाकारों को रख लो और चाहे तो भगवान को रख लो। अब आप किसे रखना चाहते हैं ये आप देख लो, ये आपकी पसंद है। आप भगवान को पसंद करते हैं या उन कलाकारों को पसंद करते हैं? बोलिए किसको पसंद करते आप, देख लो। सीरियल कितने देखते हो, सीरियल में कितना टाइम लगाते हो और भगवान की माला में कितना टाइम लगाते हो? सीरियल को कितने मन से देखते हो, कितने भावों से देखते? वो रोता है तो तुम रोते हो, वो हंसता है तो तुम हंसते हो, वो सुखी होता है तो तुम सुखी होते हो, वो दुखी होता है तो तुम दुखी। थोड़ी देर के लिए तो तुम ये भूल ही जाते हो कि ये नाटक देख रहे हैं। थोड़ी देर के लिए तो तुम उनके घर में पहुंच जाते हो और उनके साथ जीना शुरू कर देते हो, उनके दुख में दुखी और उनके सुख में सुखी होने लगते हो। लेकिन क्या भगवान के साथ कभी इतना अटैच हुए, भगवान के साथ कभी इतना जुड़े? और फिर कहते भगवान तो काम ही नहीं आते, भगवान तो कुछ करते ही नहीं है, भगवान तो इतनी माला फेरो पूजा करो कुछ होते ही नहीं है। तुमने फेरी कहाँ माला, तुमने प्रेम किया कहाँ भगवान से? प्रेम किया नहीं, माला फेरी नहीं, पूजा करते नहीं, उपवास होता नहीं, माला में मन लगता नहीं, फिर कहते धर्म काम नहीं आता। अरे बोलिए ना, हैं? तो पसंद तो हमारी धर्म है, लेकिन करते वही है जिससे उल्टा मिलना है और दुख बढ़ने का कारण भी यही है। अच्छा ये बताओ, मोबाइल आने के बाद सुख बढ़ा कि दुख बढ़ा? अरे बोलिए ना, सुख बढ़ा कि दुख बढ़ा? नहीं ऐसे मत कहो, सुख बढ़ा कि दुख बढ़ा, एक चीज बोलो। मैं सुख और दुख में पूछ रही हूँ, सुख बढ़ा कि दुख बढ़ा? दुख बढ़ा। मोबाइल लाइए, यहाँ रख दीजिए। जो जो कह रहे दुख बढ़ा है, तो आज से मोबाइल का पक्का? अच्छा ऐसा करो, अपने पास मोबाइल मत रखना, किसी से बात करनी है कुछ करनी है तो किसी का मोबाइल ले लिया और सुन के उसे वापस कर दिया, ऐसा हो सकता कि नहीं हो सकता? इतने में भी बहुत शांति आ जाएगी। जिसको बात करना है वो उसे फ़ोन करेगा, तुम्हें डायरेक्ट फ़ोन नहीं मिलाएगा, भाई ज़रा बात करवा दे, उसका मन होगा तो करवा देगा, नहीं तो तुम शांति से रहो, कोई उठा पटक नहीं, कोई ज़्यादा विचार नहीं है। किस किस को शांति चाहिए?
जिसको शांति चाहिए ना, वो ध्यान करना शुरू कर दो। और ध्यान करने के लिए एकाग्रता चाहिए, और एकाग्रता के लिए बाहर के विचारों से दूर होना चाहिए। बात चल रही उपगुहा नंगे की, कि जिनेन्द्र भक्त सेठ ने छुल्लक के वेश में जो चोर था, पहले तो उसे डांटा, बहुत बुरी तरह से लताड़ा, और उसके बाद अब जो भी किया हो, अभी आगे उसमें ऐसा कुछ लिखा नहीं है, शास्त्र में इतना ही लिखा कि बहुत डांटा। अब या तो सुधर गया होगा और या फिर वापस चला गया होगा, दो में से एक का एक काम तो हुआ ही होगा, है ना। तो बंधुओं, ऐसे ही सम्यक दृष्टि जीव जो होता है, वो दूसरे के अवगुणों को, दूसरे की निंदा को, दूसरे की बुराई को, दूसरे की कमी को फैलाता नहीं है, उसे सुधार देता है ना। कई बार होता है कि गांव में यदि किसी के घर में कोई गड़बड़ हो जाए तो उसे पता नहीं चलता है, सारे पूरे गांव में हो जाएगा, उसको पता नहीं चलता है। कई बार होता है कि भाई कोई उसके लड़के के साथ बाहर गड़बड़ हो गई या लड़की के साथ हो गई, तो बाहर वाले सबको पता है मगर उसके परिवार वालों को नहीं पता है। सबसे कह दिया जा करके, लेकिन जिससे कहना था बस उससे नहीं कहा। लेकिन आजकल के वे माता पिता भी इतने तेज हो रहे हैं, इतने तेज हो रहे हैं, कोई तो उसके बच्चे की बुराई कर तो दे आके, वो ऐसा उसे फटकारते हैं कि दोबारा कोई उसकी बुराई करने उसके घर नहीं जाएगा। हाँ, और तो और, जैसे यदि स्कूल में टीचर ने डांट दिया तो घर जाके सबसे पहले तो मम्मी पापा को बताया जाएगा, फिर मम्मी पापा उस टीचर को फोन करेंगे, भाई तुमने मेरी बेटी को क्यों डांटा, तुमने मेरी बेटी को डांटा है तो मैं तुम्हें डांटूंगा। बेचारा वो टीचर दोबारा डांटने की हिम्मत ही नहीं करेगा। और पहले के समय में बच्चे का एडमिशन कराते थे तो कहते थे, भाई आपका ही बेटा है, डांटो मारो जो चाहो आप करो, मगर पढ़ा अच्छे से देना। और आजकल कोई कह तो दे, एक शब्द बोल तो दे हमारे बेटे को, हमारे बच्चे को, और वो बच्चा भी इतना शैतान, इतना तिकड़मी, एक की चार लगाता है, उसे भी बड़ा मजा आता जब टीचर को डांट पड़ती है। बंधुओं, जितनी कमी धर्मात्मा की अंदर से दूर करोगे, वो कहते ना अंदर हाथ पसार के बाहर मारे चोट। गुरु शिष्य, गुरु कुंभ है शिष्य कुल, गुरु कुलाल शिष्य कुंभ है, गड़गड़ मारे चोट, और अंदर हाथ संहार के बाहर मारे चोट, और खोट को निकाल देता है। तो ये है उपगुहन अंग का लक्षण, सबसे जाके नहीं कहता है, वो अंदर ही अंदर सुधार देता है। यानी धर्मात्मा का जो लक्षण है, उनमें एक लक्षण ये भी है कि उपगुहन अंग का पालन करना चाहिए। अगले अंग का नाम है स्थितिकरण। कौन सा? स्थितिकरण, स्थित कर देना। कहाँ स्थित कर देना? जो अपने नियम में, व्रत में, संयम में, त्याग में, पद में, यदि कहीं से वो अस्थिर हो गया है, नियम तोड़ रहा है, उसका धर्म नहीं पल पा रहा है, उसे समझा के, सहारा दे के, उसे वहीं स्थित कर देना, वो कहलाता है स्थितिकरण अंग, है ना। इसकी चर्चा अपन कल करेंगे, ठीक है। तो आज आप लोग कहाँ कहाँ से आए हो, खेत में धान का, शादी में पान का, इस पर्वत पर होने वाले याग मंडल विधान का, आपको क्या कहना? टीवी में देखते होगे तो पता होगा आपको क्या कहना, क्या कहना है आपको? बड़ा ही महत्व है ना। लिखने में खत का, मकान की छत का, और सोना गिर के इस पर्वत का, अनाज में दाने का, इनाम में पाने का, और इस पर्वत से मोक्ष जाने का। कौन कौन जाना चाहता है? भाव तो बना लो। भाव बनाने में थोड़ी दीक्षा लेनी पड़ रही है, भावना तो बनाओ। कौन कौन भाव बना रहा है? हाथ उठाकर बताना कि भगवान, कभी इस पर्वत पर बैठ के हम विधान कर रहे हैं, कभी ऐसा दिन भी आए कि हम यहाँ से मोक्ष चले जाएं, है ना। आज पूजा कर रहे हैं, आज भक्ति कर रहे हैं, कल आपके जैसे हम बन जाएं।
जिनकी पूजा कर रहे हैं उनके जैसे बन जाए, है ना। चलिए कहाँ कहाँ से आए अब आप बताइए, खेत में खाद का, भोजन में सलाद का, और आने वालों में फिरोजाबाद का। पानी में मगर का, चलने में डगर का, और आने वालों में जसवंत नगर का। नहीं होने में रंज का, पंजाब में पंज का, और आने वालों में सिरसा गंज का। बिलासपुर, गाने में सुर का, नृत्य में नूपुर का, आने वालों में बिलासपुर का। मुरार, शास्त्रों में समय सार का, तीर्थों में गिरनार का, और आने वालों में मुरार का। इंदौर, नेता में दौर का, आम की बोर का, और आने वालों में इंदौर का। भिंड, पापों के खंड खंड का, बुढ़ापे में दंड दंड यानी डंडा, बुढ़ापे में दंड, और आने वालों में भिंड का। जसराना, अच्छा, रिश्तों में नाना का, पुर्जों में पाना का, आने वालों में जसराना का। कर्नाटक, योगा में त्राटक का, रेल में फाटक का, और आने वालों में कर्नाटक का। सुनने में ईयर का, छोड़ने में बियर का, और आने वालों में ग्वालियर का। नोएडा का, गर्मी में घड़ा का, भोजन में बड़ा का, और आने वालों में नोएडा का। महीनों में मई का, रजाई में रुई का, और आने वालों में चेन्नई का। बोलिए चलिए एक बार और सुना दूँ। खेत में खाद का, भोजन में सलाद का, और आने वालों में फिरोजाबाद का। बोलिए चौबीसों भगवान।